महबूब स्टूडियोज जो आपको दिख रहा है ना, ये मुंबई में आपको बांद्रा में देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का फेमस एक स्टूडियोज माना जाता है। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं आज बांद्रा में पहुँचा हूँ, बांद्रा वेस्ट में। और आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही फेमस एक स्टूडियो जो कि बांद्रा में है। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते जाते हमेशा दिख जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी के साथ पहुँच सकते हैं, जो कि बांद्रा में है। और ये जो है महबूब खान चौक पे आपको जस्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप बांद्रा जाते हैं बैन स्टैंड, वहाँ से वहाँ पे एक महबूब खान चौक है, वहाँ पर ये स्टूडियो देखने को मिलेगा। तो उस स्टूडियो का नाम है महबूब स्टूडियोज़, जो कि बहुत ही फेमस स्टूडियो है। और यहाँ पर आपको हमेशा कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते जाते दिखे जाएंगे। तो ये मेरे बैक साइड में ये स्टूडियो दिख रहा है, ये पूरा रेलिंग वगैरह है। और ये सामने उसका गेट है जो कि महबूब स्टूडियो का। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर महबूब स्टूडियो के ऑनर की बात करते हैं और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसके ऑनर तो थे महबूब खान, जो कि बहुत बड़े फिल्म निर्माता और डायरेक्टर थे। और जो कि इसका स्थापना जो हुआ था 1954 को, और उससे पहले जो कि 1942 में स्टूडियो का जो नाम था वो महबूब प्रोडक्शन हाउस के नाम से जाना जाता था, जो कि 1942 में इसका स्थापना की गई थी महबूब प्रोडक्शन हाउस के नाम से। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और महबूब स्टूडियोज के नाम से 1957 में इसकी स्थापना की गई। तो जो सबसे जो महबूब खान जी थे, बहुत बड़े फिल्म निर्माता और निर्देशक थे जो कि उस टाइम के। और जो इसको सबसे लोकप्रिय जो इसके लोकप्रियता जो मिली, मदर इंडिया जो फिल्म आई थी ना, उसमें इन्होंने काम किया, उसको बनाया, जिसकी वजह से इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी। और यह स्टूडियो अपने इंडिया लेवल पे जो इंडिया में बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिन पहले करीना कपूर को भी देखा गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस आते जाते रहते हैं, और बाजू में सलमान खान है तो यहाँ भी आते रहते हैं। तो बड़े बड़े यहाँ पर सुपरस्टार आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत नामी गामी स्टूडियोज मानी जाती है। और यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं। बेसिकली इस स्टूडियो में होता क्या है कि साउंड रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद से तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे बैक साइड में, ये लगभग 7 से 8 आदमी है, ये गुजरात कच्छ से आए घूमने के लिए मुंबई। और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा था, मैं अभी महबूब स्टूडियो के पास, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है महबूब स्टूडियो जो कि बांद्रा में है। तो इन्होंने मुझे देखा यहाँ पर व्लॉग शूट करते हुए, तो ये बोले कि चलिए मैं आपसे मिलता हूँ। और ये जो मुंबई में स्पेशल जो सेलिब्रिटी का हाउस टूर करने के लिए आए, तो चलिए इन लोग से बात करते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। और बहुत दूर से आए, सूरत से आए, गुजरात से, सॉरी। तो बहुत एक्साइटेड है ये लोग घूमने के लिए। तो आप लोग अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग मरीन ड्राइव जाएंगे फिलहाल, तो घूमने फिलहाल अभी मरीन ड्राइव जाएगा। और उसके बाद से शाहरुख खान का घर, शाहरुख खान का, मैं हूँ शाहरुख खान का बैक पिन, चलिए शाहरुख खान से फिलहाल अभी मिलेगा नहीं। सलमान खान भी अभी थोड़ा देर पहले जा चुके हैं, दोनों निकल चुके हैं। उसके बाद घर से निकल चुका है फिलहाल, मैं अभी यहाँ से देखा उनकी गाड़ी गई है, तो दोनों नहीं मिल सकते हैं। बाकी फिलहाल देखना पड़ेगा आपको। सलीम खान मिलेगा ना? सलीम खान घर पे? सलीम खान नहीं मिलते भाई, उनके ये बांद्रा में जो है ना बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, तो आपको जो टैक्सी वाला वो घुमा देंगे, उनको पता रहता है, टैक्सी वाले को एड्रेस पता रहता है। लेकिन फिलहाल मिलना मुश्किल है, घर वगैरह देख सकते हैं सबके बारे में, कहाँ किस घर में रहते हैं। बाकी मेरे भी चैनल पे पूरा जितने भी सेलिब्रिटी है उसके बायोग्राफी से लेकर के और मुंबई के टूरिस्ट पहले सबको कवर करते हैं, तो आप वहाँ भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनका घर का प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब इस पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे। चलिए मेरे चैनल के थ्रू भी आप किसी भी सेलिब्रिटी का हाथ टूर कर सकते हैं। ये हमारा बापू काले बाबू, चल ये काले बाबू हमारा, आप अपने नाम ना ये खान खान काले मोहम्मद अहमद चेला, सलमान काले मोहम्मद सलीम अहमद, चलिए थैंक यू, मेरा फैजल मीर नाम, ओके थैंक यू सो मच। और महबूब स्टूडियो के आजू बाजू का ये पूरा मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये चौक आपको देखने को मिलेगा जो कि मैंने बताया कि महबूब खान चौक जो सामने आपको दिख रहा है, और ये जो बोर्ड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप बड़े बड़े एक्टर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी के साथ आ सकते हैं। जैसे कि अंदर एक मर्सिडीज एंटर कर रही है महबूब स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ी आपको देखने को भी मिलेगा, और बड़े बड़े सुपरस्टार भी इसके अंदर आते जाते रहते हैं, क्योंकि सभी को यहाँ पर काम लगता है। और बेसिकली इसमें होता है क्या कि जैसे मूवी कोई भी शूट हो गया तो उसको जैसे डबिंग करना हो, जैसे हिंदी में शूट हुआ तो उसको
तमिल में, तेलुगु में, अनेक लैंग्वेजों में जो कि डब किया जाता है, तो यहाँ पर वो काम किया जाता है। उसके बाद से उसमें साउंडिंग साउंड का बेसिकली काम किया जाता है। और ये देखिए अंदर का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सामने ये बहुत बड़ा स्टूडियो, इसका एरिया बहुत बड़ा है। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वही महबूब स्टूडियो है, जो कि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। लेकिन ये गेट जो है बहुत दूर पे है, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा कि एरिया इसका बहुत बड़ा है। और अंदर देखिए काफ़ी गाड़ी वगैरह भी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। तो जो भी अंदर एक्टर एक्ट्रेस आते हैं तो उसकी गाड़ी अंदर जाती है डायरेक्ट, और ये गेट खुलती है और अंदर चले जाते हैं। तो बाहर आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया वाले जो पेपराजी वगैरह है, तो यहाँ पर वो रहते हैं। और जो भी एक्टर एक्ट्रेस आते हैं उनको यहाँ पर कवर करते हैं, उनकी फ़ोटो वीडियो निकालते हैं। तो ये देखिए मैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो आसानी के साथ आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एड्रेस बताया हूँ, जो बांद्रा बैन स्टैंड पर आप आते हैं तो वहीं से आप यहाँ पर आ सकते हैं महबूब स्टूडियोज़। और आप अपने चाहते जो कि चाहने वाले जो भी हीरो हो आपको है, उन हीरो को यहाँ पर आसानी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग जो काम करने के मकसद से आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। जो भी बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं स्टूडियो का एड्रेस स्टूडियो में, जैसे कि उनको एक्टर या प्रोडक्शन हाउस में वो बेसिकली जाते हैं किसी डायरेक्टर से मिलना हो।